पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन के तत्वावधान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एक सेमिनार का आयोजन रेलवे ऑफिसर्स क्लब के सभागार में किया गया। सेमिनार का उद्घाटन पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने सतर्कता बुलेटिन, सूची, दर्पण पुस्तक का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन द्वारा 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 18 तक भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ विषय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को पूर्वोत्तर रेलवे के ऑफिसर्स क्लब में भ्रष्टाचार के दानों से भारत को मुक्त कराना है, आओ करें प्रतिज्ञा कि अब भ्रष्टाचार मिटाना है विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, परम अवस्थित विशेष वक्तागण डॉक्टर श्री गोविंद पांडे जी, हमारे रिटायर्ड सीएम साहब, मैं आप सब अधिकारीगण, सम्मानित महिलाएं, सभी रेल कर्मी बंधुओं, अभिनंदन। मुझे उम्मीद है जन जन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। आप सभी का आगे के मंच संचालन के लिए ये बहुत ही अपार हर्ष का विषय है कि हर वक्त की बात ही हम लोग इस बार भी इस सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। दिखाता मानचित्र है, सूच दर्पण है कि कहाँ कहाँ निमित्ता होती है और कहाँ हम सावधानियों बरत के बच सकते हैं। और सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए और सूच दर्पण का विमोचन करें। आवश्यकता पर जो हमारे रेल सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, तो हमारे बाकी नागरिक और बाकी जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस वर्ष यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक मनाया जाएगा, और इसका जो थीम है वो है इरेडिकेट करप्शन, अर्थात इरेडिकेट करप्शन बिल्ड अ न्यू इंडिया, अर्थात भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ। भ्रष्टाचार क्या है ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग है हमारे समाज का जो शासन को क्षति पहुंचाता है, जो राष्ट्र के नैतिक ताने बाने को नष्ट करता है और साथ ही साथ हमारे देश के विकास में बाधक बनता है। हमारे राष्ट्र के लिए या हमारे देश के लिए भ्रष्टाचार कोई नई चीज़ नहीं है, या सदियों से यहाँ पे रही है। जैसा कि चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में मेंशन किया है कि उनके समय में भी भ्रष्टाचार हुआ करता था। चाणक्य ने कहा था कि जिस प्रकार जीभ पर रखे शहद अथवा विष का स्वाद लिए बिना रह पाना असंभव है, उसी प्रकार किसी कल्याण कार्य में लगे हुए कर्मी के लिए योजना हेतु जो धन दिया जाता है उसके एक अंश का स्वाद लिए बिना रह पाना भी बहुत मुश्किल है। चाणक्य ने और भी काफी कुछ कहा है भ्रष्टाचार के बारे में अपने अर्थशास्त्र में, मैं ज्यादा कुछ यहाँ नहीं कहना चाहूंगा। भ्रष्टाचार का जो मुख्य कारण है हमारे समाज में वो है हमारी पॉपुलेशन के बीच में उसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। इसके साथ साथ हमारे देश में जो दरिद्रता है या पावर्टी है, साथ ही साथ निरक्षरता है, वो भ्रष्टाचार के लिए एक मुख्य कारण वो भी है। और ये महसूस किया जाता है कि जब से 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब से हमारे राष्ट्र के जो हमारे जो नागरिक हैं उनके बीच में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी में कमी आई है, और साथ ही साथ जो लोगों के बीच में जो कानून का जो डर होता है वो भी काफ़ी कम हुआ है।
ऐसा लगता है जैसे कि लोग जो भ्रष्ट लोग हैं वो एक प्रकार का रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर भ्रष्टाचार में वो पकड़े जाते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा या उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दंड मिल सकता है, और साथ ही साथ अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो उनको उसका क्या लाभ मिल सकता है। इस प्रकार ये भी देखा गया है कि जो भ्रष्टाचार में जो लोग पकड़े जाते हैं वो थोड़ी सजा पाकर ही छूट जाते हैं, जिस कारण इस प्रकार के लोगों को और थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है भ्रष्टाचार के लिए। के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से हम लोगों को ये बताया है कि कंचन और कामिनी से परहेज करना, कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए, और उन्होंने अपने जीवन में इसको आत्मसात भी किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने आजीवन मुद्रा का स्पर्श नहीं किया, उससे उन्होंने परहेज किया। तो एक बार उनके शिष्य जो थे, प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने उनके बिस्तर में मुद्रा बिछा दिया, और जब उन्होंने रात में उसका स्पर्श किया, अपने बिस्तर का स्पर्श किया, तो उनका हाथ टेढ़ा हो गया, क्योंकि उस चीज के वो आदि नहीं थे। इसी तरह से हम बहुत दूर क्यों जाए, रामकृष्ण परमहंस जी को मैंने नहीं देखा, लेकिन गोरखपुर में मेरा बचपन बीता, मेरी परवरिश हुई, तो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक गीता वाटिका है, वहां मैंने देखा एक राधे बाबा हुआ करते थे, उनको मैंने स्वयं देखा, और आजीवन उन्होंने भी कभी मुद्रा का स्पर्श नहीं किया। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ये बहुत विरल, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। जन सामान्य के लिए इससे दूर रह पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बिहारी ने कहा भी है ना, कनक कनक ते सौ गुणी माधवता अधिकाय, वह पाए पौराए जग वह खाए पौराए। दोनों स्थिति भी यही स्थिति है कि आप बहुत ज्यादा अधिकता अगर आपको, चाहे वो घन की हो, चाहे आप नशा करते हो, एक नशे की भांति वो कभी भी अच्छी नहीं होती, तो इससे जितना डिस्टेंस बना देना चाहिए। तो उसने हमेशा कहा कि अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता, उसी तरह से धन और संपत्ति की भी अधिकता नहीं होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि आज के इस भौतिक जगत में जीवन, ऐसे भी अरस्तु जैसे विचारक ने भी कहा कि जीवन आपका धन के बगैर, संपत्ति के बगैर जीवन नहीं चल सकता, जन्म से मृत्यु तक हमको धन की आवश्यकता होती है, द्रव्य की आवश्यकता होती है, लेकिन कितने द्रव्य की आवश्यकता है कि हम अपनी आवश्यकता से अधिक, या हमारे मार्गदर्शन को भी ये प्रेरित देंगे आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की जरूरत नहीं है, तो भ्रष्टाचार की कुछ कमी आएगी।